पेट्रोल जो है बे इंतहा महंगा हो चुका है, बिजली के बिल जो है तुल बविंजा आ रहे हैं, और यहाँ पे 6 नौजवानों ने एक जुगाड़ निकाला है, एक मोटर बाइक पे 6 बच्चे जो हैं इस टाइम लाहौर की सड़कों पे घूम रहे हैं। मैं एक बाइक पे 6 जितने बैठे हुए हूँ। पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया। पेट्रोल जब महंगा नहीं था तो तब आप लोग कितने जितने बाहर घूमते थे? हम दो दो बाइकों पे दो दो जाने थे। गढ़ वालों से पैसे मांगते हो आप जब, तो क्या गढ़ वाले क्या रिप्लाई करते हैं? 50 गाले उनके लगा दिए, 50 गालियां हमें लगा दिया, फिर पैसे देते हैं। 15-15 रुपए मिला के हम लोग ने पेट्रोल पैसा छोड़ दिया। इनको कौन महंगाई काम करे फिर पेट्रोल महंगा हो तो एक ही बाइक पे 6 जितने आ रहे हो? ये तो काम है, हम लोग दादा जने बैठ के आ जाते हैं। दादा जितने बैठ के आप लोग आ जाते हो, हम कहेंगे झोली मारी उठी हुई है, आप लोग करना है तो कर लो। क्या कहोगे जी? पेट्रोल सस्ता करो, करे का बेड़ा गर्क हो जाना ये जब महंगाई कर रहे हैं तो। मर्दे दम तक साडी बदवाए ना दे नाल हुकूमत है हमारे नौजवानों के बारे में कोई सोचती है कि नहीं सोचती? और तुसी ते मरे इधर हो जाए अंकल मैं हां। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं RP प्रोडक्शन। अजी से मैं मौजूद हूं लाहौर की एक सड़क पर। पेट्रोल जो है बे इंतहा महंगा हो चुका है, बिजली के बिल जो है तुल बविंजा आ रहे हैं, और यहाँ पे 6 नौजवानों ने एक जुगाड़ निकाला है, एक मोटर बाइक पे 6 बच्चे जो हैं इस टाइम लाहौर की सड़कों पे घूम रहे हैं। इनसे पूछेंगे जनाब ये क्यों कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं एक बाइक पे 6 जितने बैठे हुए हूँ। पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया। पेट्रोल महंगा हो गया है तो पेट्रोल महंगा हो गया, इस वजह से आप लोगों ने 6 जितों ने फैसला किया है? हमारी पॉकेट मनी भी 20-20 रुपए आया पेट्रोल महंगा कर दिया। अब पेट्रोल जब महंगा नहीं था तो तब आप लोग कितने जितने बाहर घूमते थे? हम दो दो बाइकों पे दो दो जाने थे। तो अब ये एक बाइक पे 6 जितने आ रहे हो, सीधे नीचे आ जाओ गिरना जाना। अब जब गढ़ वालों से पैसे मांगते हो आप जब, तो क्या गढ़ वाले क्या रिप्लाई करते हैं? 50 गालियां उनके लगा दिया, 50 गालियां हमें लगा दिया, फिर पैसे देते हैं। तो ऐसे तो यार बड़ा जानलेवा काम है ना ये, तो आप में रिस्की, बड़ा रिस्की काम कर रहे हो आप। बात है कोई बात नहीं, होता रहता है, कोई बात नहीं है। 15-15 रुपए मिला के हम लोग ने पेट्रोल पैसा, यानी कि 100 रुपए का पेट्रोल 6 जितने डलवा के आ रहे हो यहाँ पे। बहुत महंगा पेट्रोल हो गया है, इन्होंने जान खा ली मारी। तो यानी कि अगर पेट्रोल जब महंगा अगर नहीं होगा तो फिर आप लोग क्या सही अपनी जिंदगी गुजारोगे जब से पेट्रोल महंगा हुआ है? स्कूल से बच्चियां बैठा के घूमेंगे, फिर कोई टेंशन नहीं होगी। तो अब मेरी बात सुनो, तो यार आप जब आए हो घर वालों को बता के आए हो कि आप एक बाइक पे 6 जितने आ रहे हो? नहीं, हमारे हुक्मरान तो कहते हैं जनाब कि हम मेरे नौजवान जो है हमारी कौम का असासा है, तो आप तो अपनी जान जो है रिस्क पे जोखिम में डाल के जनाब इस तरह काम कर रहे हो आप? नहीं कोई बात नहीं, इनको कौन महंगाई काम करे फिर, यानी कि महंगाई कम नहीं करे। हाँ जी, तो अब महंगाई कैसे काम होगी, इनको कोई तरीका बताओ थोड़ा। आगे आओ मेरे प्यारे भाई, महंगाई अपनी छोटी लगा ले, महंगाई कम होगी वो अल्लाह माफ करे, वो कोई तरीका बताओ ना। अगर महंगाई कम हो जाएगी तो फिर आप लोगों के मसले मसाइल तमाम खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, सब मसले मसाइल खत्म, फिर खुश रहोगे आप? खुश रहे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पे तो लोगों को बड़ा यकीन था कि मियां साहब की हुकूमत जब आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी। इमरान खान के दौर में लोग किसी का अतबार नहीं होता, गंजों पे किसी का अतबार नहीं है, लेकिन गंजों की तो बड़ी डिमांड है मार्केट में। गंजे आपके पास भी है? हाँ जी है। अब आपको क्या लगता है कि कौन से हुक्मरान को आगे आना चाहिए? PTI को आना चाहिए। आप क्या समझते हैं इमरान खान को? अगर इमरान खान साहब आएंगे, नहीं नहीं, अगर इमरान खान साहब आते हैं तो महंगाई पे काबू पा जाएगा। अजी मेरे आला हुकाम से गुजारिश नाज़रीन कि आप काइंडली पेट्रोल पे और बिजली पे अवाम को सब्सिडी दें, क्योंकि देखें ये बच्चे जो है हमारे कौम का असासा है। अब इनको घर से अगर पैसे नहीं मिलेंगे, इन्होंने अपनी ख्वाहिशात को तो पूरा करना ही करना है। अब ये मेरी बात सुनो, ये बाइक पे जब तुम हम लोग आए तो रस्ते में किसी ने रोका नहीं है? क्योंकि गलियों गलियों में से आए हो? मेन से आया, मैंने किसी ने रोका? मेन से आया, चलो किसी ने रोक लिया आपको, तो क्या जवाब दोगे उसको? पेट्रोल महंगा किया तो इससे पहले आप कितनी बाइकों पे 6 जितने आते थे? हम लोग 4-5 बाइक होती तो हम लोग 3-3 2-2 बैठ के स्कूल से आराम से आते थे। आराम से। तो अब ये पेट्रोल महंगा हो तो एक ही बाइक पे 6 जितने आ रहे हो? ये तो काम है, हम लोग दादा जने बैठ के आ जाते हैं। दादा जितने बैठ के आप लोग आ जाते हो। अजी नाज़रीन है आपके सामने हमारे पाकिस्तानियों ने जुगाड़ निकाल लिया हुआ है, पेट्रोल बेशक 1000 रुपए लीटर भी हो जाए, इन्होंने अपना फुदू खाता लगाया हुआ है। एक बाइक पे 6-6 जितने ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब आके हम 10 जितने भी आएंगे हमें कोई परवाह नहीं है, किसने रोकना रोक के दिखाया सड़कों पे, हम भी बताएंगे। दबा दम मस्त कलंदर होगा। हुकूमत को चाहिए कि जनाब पेट्रोल सस्ता करे, नहीं तो हम लोग ऐसे ही जो है करतब दिखाते रहेंगे सड़कों पे। जी जी, लेकिन वो इतने उन लोगों ने जल्दी पेट्रोल ही कम करे नहीं करना। चलो आखिर में आप गाड़ी तो ना निकालो, आखिर में मेरे नौजवानों
हमारे इन हुक्मरानों को क्या पैगाम दोगे? हम कहेंगे झोली मारी उठी हुई है, आप लोग करना है तो करो। क्या कहोगे जी? आपकी माशाल्लाह बदू है इनके साथ है, जी नाज़रीन हमारे कौम के नौजवान बच्चे हैं, इन्होंने ये कह दिया कि जनाब हमारी बदुआ इनके साथ है, अगर इन्होंने पेट्रोल सस्ता ना किया तो इनके बेड़े गड़क हो जाएंगे। देखेंगे जी आने वाले वक्त में क्या होता है और क्या नहीं होता, जो हुकूमत है हमारे नौजवानों के बारे में कुछ सोचती है कि नहीं सोचती। और तू सीधा मड़े इधर हो जाए अंकल मैं। अरे नाजी इसके साथ ही अपने मेज़बान इतना बड़ को ज़्यादा दी, अल्लाह हाफिज़।